जो भी हो फिलहाल तो क्लास स्टार्ट करें। और टारगेट इस बार का जो हम लेकर आए हैं कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की शुरुआत भी कर देनी है कम से कम, ठीक है। इस बार का टारगेट यही है। एक चेल्कोलिथिक फेज है, बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। मेंस में आता नहीं है, पीटी मीटी में, सिर्फ आपको देखना है। थोड़ा सा स्टोन एज में कुछ चीज़ें आपको करानी है, वो मैं करा देता हूँ आपको, ताकि ये पूरा हो जाए टॉपिक, ठीक है। कुछ कुछ बातें हैं, ज़्यादा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें। और जैसे नियोलिथिक कल्चर के कुछ साइट्स हैं, वो साइट्स के रेफरेंस में कुछ बातें इसमें हमें करनी है। लास्ट क्लास में मैंने जब बताया था आप लोगों को, तो लगभग उन सारी चीज़ों को बता दिया था, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं, ठीक है। उनका मेटरियलिस्टिक कल्चर क्या है, यानी किस तरीके के वेपन्स को यूज़ कर रहे थे, किस टेक्नोलॉजी से बना रहे थे, किस पत्थर से बना रहे थे वो, ठीक है। और उनकी इकोनॉमी किस तरीके की थी, कैसे कैसे बदल रहा है, कैसे वो इकोनॉमी अपनी चेंज कर रहे हैं। जैसे कि स्टोन एज में मैंने बताया था कि देवर रिलाइड लार्जली ऑन गैदरिंग, फूड गैदरिंग, एंड देन दे स्टार्टेड हंटिंग। देन इन द मेजोलिथिक पीरियड दे स्टार्टेड एनिमल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, एंड देन इन द न्यूलिथिक पीरियड दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन शुरू कर दिया। और प्रोडक्शन लाइवलीहुड लेवल पर ही था, इनसफिशियंट था, एंड ये सब्सिस्टेंस लेवल इसको कह सकते हैं कि जीवन निर्वाह स्तर पर था ये। अब इसके बाद थोड़ी बहुत न्योलिथिक कल्चर के साइट्स हैं कुछ, क्योंकि मैंने बताया था कि न्योलिथिक कल्चर कई जगहों पर रहा है, ठीक है। कश्मीर में भी न्योलिथिक कल्चर रहा है, उसकी अपनी अलग विशेषताएं कुछ हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया के न्योलिथिक कल्चर है, उसकी भी अपनी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। तो थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिकेशंस हमें बता देना इसमें, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स। अच्छा एक चीज थोड़ा सा लास्ट पॉइंट क्या लिखा था एक बार आप बता देंगे। ठीक, चलिए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम लोग मेहरगढ़। मेहरगढ़ बेसिकली बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में आता है ये, ठीक है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में, और ये बेसिकली कच्ची प्लेन्स में बोलन नदी के किनारे है। उस प्लेन का नाम है कच्ची प्लेन, एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर बोलन। कच्ची प्लेन कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मैदान में ये स्थित है, तो कच्ची प्लेन है, एक मैदान है ना, वहां पर स्थित है। और बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में वर्तमान डे में है, और ऑन द बैंक ऑफ रिवर बोलन, बोलन नदी के किनारे है। मैंने बताया था कि इट वॉज अ फ्लोरिसिंग विलेज ड्यूरिंग 5th सेंचुरी BC, यानी 5वीं शताब्दी, 5000 के आसपास ये फ्लोरिसिंग विलेज था। तो इट वॉज फ्लोरिसिंग विलेज ड्यूरिंग 5000 BC, 5000 ईसा पूर्व के आसपास ये एक फ्लोरिसिंग विलेज था, ठीक है। और मैंने बताया भी था ये लास्ट क्लास में कि ये पहला विलेज था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, विलेज के रूप में इमर्ज होने वाला पहला विलेज था ये, ठीक है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फर्स्ट विलेज, तो यही आएगा आपका। बहुत बड़ा गांव नहीं बन पाया, क्योंकि बड़े गांव बसाने का काम जो शुरू करते हैं वो चेल्कोलिथिक पीरियड के लोग करते हैं, लेकिन इस काल में ये फ्लोरिसिंग विलेज था, और इसकी इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, पूरी इकोनॉमी इनकी मिक्स्ड इकोनॉमी थी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब है कि ये लोग हंटिंग करते थे, ठीक है, फिशिंग करते थे, एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल,
एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, ये इसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हंटिंग, फिशिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड एग्रीकल्चर, इन सारी चीज़ों को ये करते थे, ठीक है, इसीलिए इसकी इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। और जहाँ तक ग्रेन्स की बात है, मतलब फूड ग्रेन्स की या और भी फसलों की, तो दे प्रोड्यूस मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स लाइक बार्ली, व्हीट एंड कॉटन, ये प्रोड्यूस करते थे। एग्रीकल्चर के भी अर्लीस्ट एग्जाम्पल यहीं से मिले हैं, ठीक है, कृषि के जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल मिले हैं हमारे देश में वो यहीं से मिले हैं। और ये बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी थे, बार्ली, व्हीट और कॉटन को प्रोड्यूस करते थे। दे प्रोड्यूस कॉटन, बार्ली एंड व्हीट। और जब भी पूछा जाए कि कॉटन के सबसे ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर कौन से थे, तो मेहरगढ़ के लोग, ठीक है, तो देवर ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, ओल्डेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। इन लोगों ने घर भी बनाए थे, ठीक है, और घर बनाने में इन लोगों ने कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया था। दे यूज रॉ ब्रिक्स फॉर मेकिंग देयर हाउसेस। और इनके हाउसेज जो है रेक्टेंगुलर हुआ करते थे, यानी एक तरीके से आयताकार घर बनाते थे ये लोग, ठीक है। तो मेड रेक्टेंगुलर हाउसेस। By using raw bricks, कच्ची ईंटों का प्रयोग करके ये लोग बनाते थे। तो मेहरगढ़ में इतनी चीजें आपको याद रखनी है, मेहरगढ़ से क्वेश्चन अक्सर पूछ ले जाते हैं। अगर स्टोन एज में जाएंगे तो मेहरगढ़ एक टारगेट रहता है उनका क्वेश्चन पूछने में, ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो मेड रेक्टेंगुलर हाउसेस बाय यूजिंग रॉ ब्रिक्स। तो इस काल के लोग घर बनाना शुरू कर चुके थे, लेकिन घर बनाने की शुरुआत मेजोलिथिक काल से हो चुकी थी। याद होगा मैंने बताया था आप लोगों को कि मेजोलिथिक पीपल जो थे बैम्बू और ग्रासेस का यूज करके पहली बार मैदानों में घर बनाए थे अपने। तो जब भी आपको पूछा जाए कि पहली बार घर बनाने की यानी आर्टिफिशियल हाउसेस बनाने की परंपरा कब शुरू हुई, तो मेजोलिथिक काल, ठीक है। और जब भी आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स को यूज करके, रॉ ब्रिक्स को यूज करके घर बनाने की परंपरा कब शुरू हुई, तो न्यूलिथिक काल में वो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको स्पेसिफिकेशन बनाए रखना है इन चीजों को, और इसी से क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देते हैं वो, तो कंफ्यूजिंग जब करेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन के आंसर को करते समय। लिख लिया ना आप लोगों ने? चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे, कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर। कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर, कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर के लोग थोड़ा डिफरेंट थे। और जब नियोलिथिक कल्चर हमारे देश में शुरू हुई, एकदम उसी समय ये नियोलिथिक कल्चर शुरू नहीं हो जाती है, बल्कि इसका टाइम पीरियड जो मिलता है वो 2500 BC के आसपास मिलता है। तो कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर में दो साइट्स मिले हैं, मैंने बताया था बुरजाहोम और गुफकराल, ये दो साइट्स मिले हैं। और 2500 BC के आसपास ये दोनों साइट्स जो हैं ठीक ठाक डेवलप हो चुके थे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस मिले हैं, जैसे एक तो ये लोग पिट ड्वेलिंग्स करते थे, मैंने बताया था आप लोगों को, ये सिर्फ परंपरा कश्मीर में ही थी पिट ड्वेलिंग करने की, यानी गर्त में निवास, ठीक है, गर्त में निवास। तो एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम बुरजाहोम एंड गुफकराल बोथ, ठीक है, बोथ फ्रॉम बुरजाहोम एंड गुफकराल।
इन दोनों जगहों से एविडेंस मिले हैं पिट ड्वेलिंग्स के। इसके अलावा ये लोग डाइवर्सिटी, पोटरी की डाइवर्सिटी रखते थे, बहुत सारे तरीके के मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे, तो देर वॉज अ डाइवर्सिटी ऑफ पोटरी। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के विविध प्रकारों का ये लोग इस्तेमाल करते थे, देर वॉज अ यूज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ पोटरी इन दिस पीरियड। स्टोन एंड बोन्स वेपन को ये लोग यूज करते थे, स्टोन और बोन्स दोनों। मैंने बताया था कि स्टोन वेपन और बोन वेपन फ्रॉम द बिगिनिंग भारत में यूज हो रहे हैं, यानी बिल्कुल पैलोलिथिक काल से आपको लिखाया भी गया है। तो दे ऑल्सो यूज स्टोन एंड बोन वेपन्स। स्टोन और बोन वेपन्स को ये लोग यूज करते थे। इनकी इकोनॉमी में मिक्स्ड इकोनॉमी थी, मतलब हंटिंग पर बेस थी, फिशिंग पर बेस थी, बहुत सारे तरीके के अनाजों का उत्पादन ये लोग करते थे। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी इनकी थी। यानी हंटिंग, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। पर इनकी पूरी इकोनॉमी बेस्ड थी, यानी इन चीजों पर ये पूरी इकोनॉमी अपनी चलाते थे और इन्हीं रेफरेंस में इनकी इकोनॉमी डेवलप हुई थी। देखा जाए तो इन लोगों ने माइक्रोलिथ्स का यूज जो है यहाँ पर कम हुआ है, लगभग एब्सेंट है माइक्रोलिथ्स। ठीक है, देर वॉज एब्सेंट एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ इन कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर, एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। जबकि मैंने बताया कि नियोलिथिक कल्चर के लोग पॉलिश्ड माइक्रोलिथ्स का यूज करते थे। ठीक है, लास्ट क्लास जो हुई थी उसमें बताया था कि दे यूज पॉलिश्ड माइक्रोलिथ्स। तो ये कुछ विशेषताएं इसकी हैं। और जहां तक इन लोगों ने बरियल सिस्टम को यूज किया, अनोखा ही बरियल सिस्टम बुर्जा होम से मिला है, एक विशेष किस्म का, जहां एक व्यक्ति के मरने के बाद उसके कुत्ते को उसके साथ दफन कर दिया गया है, बुर्जा होम से मिला है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नियोलिथिक कल्चर का पार्ट है और बुर्जा होम से मिला है। ठीक है, इसको लिख लेंगे नेक्स्ट पॉइंट के रूप में। आप लोग ये लिख लिया ना आप लोगों ने, लिख लेंगे कि फ्रॉम बुर्जा होम एविडेंस ऑफ अ डॉग बरियल, एविडेंस ऑफ डॉग बरियल विद अ मैन, एविडेंस ऑफ अ डॉग बरियल विद अ मैन हैज बीन फाउंड, एविडेंस ऑफ अ डॉग बरियल विद अ मैन हैज बीन फाउंड। नियोलिथिक कल्चर ऑफ बेलन वैली, बेलन वैली का मतलब उत्तर प्रदेश वाला एरिया ना, नियोलिथिक कल्चर ऑफ बेलन वैली। यहां से एक बहुत स्पेसिफिक चीज मिली है जो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, राइस के एविडेंस जो भारत में मिले हैं सिर्फ बेलन वैली से ही मिले हैं। ठीक है, केवल दो जगहों से मिले हैं, दोनों जगहों के नाम लास्ट क्लास में लिखाया भी था मैंने, कोल्डिहवा और लहुरा देव, ये दो जगह हैं जहां से लिखा है भी था ना मैंने, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो लहुरा देव और बुर्जा हो सॉरी लहुरा देव और कोल्डिहवा, इन दोनों जगहों से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस हैज बीन फाउंड देयर। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस, एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस इन ब्रैकेट लिख लेंगे, दोनों जगहों के नाम लिख लें यहां पर भी, कोल्डिहवा एंड लहुरा देव। दोनों उत्तर प्रदेश में बेलन वैली में है। दूसरी जो यूनिक फीचर इनका है वो है ग्लेज्ड एंड ऑर्नामेंटेड पोटरी, यानी इनकी पोटरी बड़ी चमकीली है, ग्लेज्ड है और थोड़ा सा थोड़ा इसमें मतलब ऑर्नामेंट किया गया, ऑर्नामेंटेशन किया गया इसका है।
तो ये इसकी एक विशेषता है जो कहीं और नहीं मिलती, और की पोटरी में स्टोन एज में कम से कम नहीं मिलता। तो इसको भी लिख लेंगे आप लोग, ग्लेज्ड एंड ऑर्नामेंटेड पोटरी, ग्लेज्ड एंड ऑर्नामेंटेड पोटरी। ग्लेज्ड एंड ऑर्नामेंटेड पोटरी इसके अलावा नियोलिथिक कल्चर में, अब बिहार चलते हैं थोड़ा सा, बिहार में भी कुछ स्पेसिफिकेशन है। वहां पर एक साइट मैंने बताया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, जिसकी चर्चा काफी की थी मैंने, चिरांड। हाँ, तो वहां पर कुछ स्पेसिफिक चीजें मिली हैं, डायरेक्ट नाम से ही कर लेते हैं। बिहार लिख लेंगे इन ब्रैकेट, चिरांड। यहां पर स्टोन वेपन नहीं मिला है, सबसे खास बात है कि स्टोन वेपन मिला ही नहीं यहाँ पर है, सिर्फ बोन वेपन्स मिले हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ की है कि यहाँ पर एक बरियल सिस्टम का एविडेंस तो मिला है, साथ ही साथ यहाँ पर टेराकोटा फिगरिंस मिले हैं। टेराकोटा फिगरिंस का मतलब क्ले, मिट्टी की मूर्ति, ठीक है, इसके एविडेंस मिले यहाँ पर हैं। तो मिट्टी की मूर्तियों के या मूर्तियों के एविडेंस और जगहों से नॉर्मली नहीं मिला कहीं से, यहां से पाया गया पहली बार। इसका मतलब वो लोग इमेज वगैरह बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे, इसका मतलब है। लिख लेंगे इसको, पहला पॉइंट, एविडेंस ऑफ बोन वेपन्स, एविडेंस ऑफ बोन वेपन्स बट नॉट स्टोन वेपन्स, एविडेंस ऑफ बोन वेपन्स बट नॉट स्टोन वेपन्स, बोन वेपन्स बट नॉट स्टोन वेपन्स। सेकेंड, एविडेंस ऑफ बरियल, एविडेंस ऑफ बरियल सिस्टम। थर्ड, एविडेंस ऑफ मैन मेड क्ले फिगरिंस, एविडेंस ऑफ मैन मेड क्ले फिगरिंस, क्ले फिगरिंस। क्ले फिगरिंस यानी मिट्टी की मूर्ति है ना, इसका मतलब, बल्कि ब्रैकेट में लिख ले, समझ में ना आया तो, इमेज ऑफ क्ले, इमेज ऑफ क्ले, ठीक है। चलिए, नियोलिथिक कल्चर ऑफ साउथ, इसका भी टाइम पीरियड 2500 के आसपास है, यानी तो जैसे कश्मीरी नियोलिथिक कल्चर 2500 के आसपास का है, ये भी 2500 के आसपास का है, जबकि इसी समय नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हड़प्पन कल्चर डेवलप हो रहा था, ठीक है। 2500 के आसपास हड़प्पन कल्चर डेवलप हो रहा था नॉर्थ वेस्टर्न में, यहीं पर कश्मीर के कुछ भागों में नियोलिथिक कल्चर था और दक्षिण भारत में भी नियोलिथिक कल्चर था। इनकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये लोग पॉलिश्ड हैंडेक्स को यूज करते थे, ठीक है, बाकी खेती बाड़ी करते थे ये लोग, वो सब करते थे, एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे। लेकिन सबसे खास बात जो इसका है ना, एस माउंड है, जो पूछा जाता है अक्सर, है एस माउंड, रात के टीले, कर्नाटक वाले क्षेत्र से, जैसे कर्नाटक वाले क्षेत्र में पीकली हल है, कोडिकल है, बहुत सारे जगह वहां से है, लिखाया था मैंने, उन जगहों से जो है एस माउंट्स मिले हैं। ये होते क्या थे, तो जानवरों को एक बाड़ में ना, एक फेंसिंग करके इकट्ठा रखते थे वहां पर जानवरों को ये लोग, और जानवरों को इकट्ठा रखकर उनके जो डंग्स होते थे ना, यानी गोबर, उनको ये लोग एक जगह पर जो करते थे, ये लोग एक जगह इकट्ठा करके एक पाइल अप कर देते थे एक जगह पर, और कुछ समय के बाद जब बड़ा ये मतलब हो जाता था जब ये पाइल, तो उसको आग लगा देते थे, उस आग को ही एस माउंट कहा गया है, ठीक है। आग लगने के बाद वो एस माउंट जैसा लगता था, तो उसी को एस माउंट कहा गया है। ये फीचर सिर्फ कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो नियोलिथिक कल्चर है ना, वहां मिला है, और कहीं नहीं मिला है, ठीक है, सिर्फ कर्नाटक वाले, साउथ इंडिया का कर्नाटक पार्ट। तो लिख लेंगे पहला पॉइंट, दे यूज्ड पॉलिश्ड हैंडेक्स, दे यूज्ड पॉलिश्ड हैंडेक्स, दे यूज्ड पॉलिश्ड हैंडेक्स
दे ऑल्सो यूज वेरियस टाइप ऑफ पोट्रीज दे ऑल्सो यूज वेरियस टाइप ऑफ पोट्रीज वेरियस टाइप ऑफ पोट्रीज लाइक रेड रेड ग्रे ब्लैक एंड येलो कलर्ड रेड ग्रे ब्लैक एंड येलो कलर्ड नेक्स्ट बोन टूल्स हैज ऑल्सो बीन फाउंड बोन टूल्स हैज ऑल्सो बीन फाउंड बोन टूल्स हैज ऑल्सो बीन फाउंड नेक्स्ट एस माउंट्स हैज बीन फाउंड एस माउंट्स हैज बीन फाउंड ये लिखा हुआ एस माउंट्स हैज बीन फाउंड दे यूज्ड टू पाइल अप ये अब इसको डिफाइन कर रहा हूं ना मैं एस माउंट को दे यूज्ड टू पाइल अप एनिमल डंग They used to pile up animal dung in a place, and after some time, they set it fire. Due to this, it looked like ash mounds. Its evidence has been found from. Its evidence has been found from Peakley Hill. एक ही साथ लिखेंगे ना. कोडिकल कुपगल ये तीनों कर्नाटक वाले पार्ट में आते हैं पिकलीहल कोडिकल एंड कुपगल इस जगह की एक और फीचर है कि जो एग्रीकल्चर ही लोग करते थे ना टेरेस फार्मिंग करते थे टेरेस का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग कि सोपानी नुमा खेती करते थे क्योंकि पहाड़ियों की ऊंचाई पर थोड़ा रहते थे तो पहाड़ियों की ऊंचाई पर जानते हैं कि टेरेस फार्मिंग ज्यादा बेहतर होती है नॉर्मल फार्मिंग काम आ ही नहीं सकती वहां पर तो ये लोग करते थे वो लिख लेंगे इसको भी पीपल ऑफ दिस कल्चर हैड टू डू टेरेस फार्मिंग ठीक है इतनी चीजें आपको बताना था ये अब लगभग टॉपिक कंप्लीट अब हो गया है ठीक है